विधानसभा चुनाव और लोकसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोल रहे हैं। ओपी राजभर की ओर से अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर निकलने के बाद अब मुसलमानों के बीच खौफ पैदा करने का बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव केवल बीजेपी का नाम लेकर जिंदा है, वो मुसलमानों को बीजेपी का भय दिखाते हैं और मुसलमान भय के नाते उन्हें वोट देता है, लेकिन अब मुसलमान समझ गया है कि वह वोट लेने के लिए केवल बीजेपी का भय दिखाते हैं। जब मुसलमानों के साथ जुल्म और अत्याचार होता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन चुनावी मौसम में मुसलमानों के बीच बीजेपी का खौफ दिखाकर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन अब मुसलमान भी सपा अध्यक्ष की फितरत को अच्छी तरीके से समझ चुका है और अब यह समुदाय उनके झांसे में नहीं आने वाला। ओपी राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव पर सियासी शब्द बाण का तीर चलाते हुए कहा है कि जिस वोट बैंक के बल पर अखिलेश यादव की सियासत चल रही है वह भी अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, क्योंकि मुसलमानों को अब अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं रहा है और वो अपने लिए नया सियासी ठौर ठिकाना खोज रहा है। सपा के अधिकांश विधायक सपा अध्यक्ष के अहम से नाराज हैं, जिसका नतीजा ये रहा है कि सपा के कई विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में नव निर्वाचित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। सपा सुभासपा गठबंधन के सवाल पर ओपी राजभर ने तल्ख बयान जारी करते हुए कहा कि सुभासपा के नेता जमीन पर उतरकर काम करें और सपा अध्यक्ष एसी कमरे में बैठकर सीएम का सपना देखते रहे, अब ये मुमकिन नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को अगर हमारी बात खराब लग रही है तो अखिलेश यादव हमें गठबंधन से निकाल क्यों नहीं देते। ओपी राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में सपा की लाइन से अलग हटते हुए एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट किया था। अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच सियासी तल्खियों का अंजाम क्या होगा, इसकी सियासी तस्वीर तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी, लेकिन यूपी की सियासत में कभी कई अगड़ाई आनी बाकी है जिसके बाद सियासी लड़ाई दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यूज डेस्क अमरोहा।